अब धीरे धीरे अब रिजल्ट भी सामने आने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश से अंडर 19 की टीम में सेलेक्ट हुई है। सूखे चने खा के हम रेस भगते थे, अब तो बच्चों को प्रोटीन अलग। यहाँ पर डे नाइट के मैच भी होते हैं और यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, रनिंग की भी हैं। तो जाने में 3 घंटे के आसपास समय लगता था, आने में भी उतना ही टाइम लगता था। दिन में भी सर्विस करते हैं बच्चे, कोई स्विगी में, जोमेटो में, अमेजोन में, वो होम डिलीवरी करते हैं और अपने डाइट का खर्चा निकालते हैं। वे भी बच्चे नेशनल तक जा रहे हैं। लोगों की संगति इतनी खराब थी, लोग इधर उधर घूमते थे, दारू बीड़ी सिगरेट गलत तरीके के लोगों के संपर्क में थे। लेकिन जब से ये जो हमारा स्टेडियम खुला है ना जी, मुझे यहाँ 3 साल हो गए, 2 साल में तो मेडल आया नहीं था, तो दोनों ने हौसला बढ़ाया, हौसला टूट डाउन हो गया था मेरा। कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बहुत सारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं बच्चे हर साल। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने मनपसंद चैनल भारत के गुर्जर में। जैसे कि हर बार हम आपको एक गुर्जर गांव की कहानी दिखाते हैं, चाहे गुर्जर गांव हो चाहे कोई प्रतिभा हो, हर तरह की वीडियो आपको हम दिखाते हैं। और आज हम आए हैं गाजियाबाद क्षेत्र का जो लोनी इलाका पड़ता है उसमें एक गाँव पड़ता है चिरोड़ी, जो कि लोनी से करीब करीब 7 किलोमीटर के पास है। वहीं पर ये एक स्टेडियम पड़ता है, सरपंच दरगाही स्पोर्ट्स स्टेडियम, उसको चलाने वाले ओनर हैं सचिन बैसला जी। आज इनसे भी बात करेंगे किस तरह से युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह से जो समाज के बच्चे हैं बढ़ के आगे निकल रहे हैं, किस तरह की उनकी तैयारियां हो रही हैं। तो ऐसी ही वीडियो अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत जरूरी है। मेरा नाम सचिन बैसला, चिरोड़ी गांव है मेरा जी, यहीं पे रहता हूं। और हमने 6 साल पहले ये मुहिम शुरू की कि यहाँ पे कोई भी पहले स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी के लिए कोई सुविधा थी नहीं यहाँ पे, तो हमने 6 साल पहले यहाँ पे एक मुहिम शुरू की कि यहाँ पे हम बच्चों के लिए थोड़ी फैसिलिटी लेके आएंगे। जैसे अभी हम फिलहाल में रनिंग और क्रिकेट का यहाँ पे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया था हमने, और अब धीरे धीरे अब रिजल्ट भी सामने आने लगे हैं। एक संदीप है लड़का, इसके दिल्ली स्टेट में 2 मेडल हैं, 300 मीटर में अंडर 16 में 2 मेडल हैं। अच्छा। एक अंडर 18 में संदीप है, वो नेशनल खेला है अभी रिसेंटली गुवाहाटी में। ओके। तो उसका 8th प्लेस था उसमें फाइनल में। और रही बात जैसे क्रिकेट वगैरह की भी आप दे रहे हैं ट्रेनिंग, तो उसमें कुछ किस तरह का परफॉर्मेंस है? क्रिकेट में अभी ऑफिशियली हमारी एक लड़की खेली है, अरुणाचल प्रदेश से अंडर 19 की टीम में सेलेक्ट हुई है, और उसकी एक सीरीज T20 की हो गई है और 7 दिसंबर से उसकी वनडे सीरीज शुरू होने वाली है। अच्छा। हाँ जी, रुचि बैसला नाम है उसका। अच्छा। हाँ, तो लड़कों में भी कोई है जो क्रिकेट में थोड़ा आगे बढ़े? हाँ जी, अभी फाइनल ट्रायल से आया एक पारस कसाना है, और उससे पहले शिवम था, वो फाइनल ट्रायल कानपुर से, मतलब जो पूरे यूपी से छटके जो 120 बच्चे आए थे उनमें थे वो। एक अरमान है, वो विकेट कीपर है, वो अंडर 14 में था। ये प्रयास जो आपने स्टार्ट किया, किस क्यों लगा आपको, किस तरह की खेल की जरूरत है? 2004 की बात है, तो मैं भी क्रिकेट खेलता था, तो मेरे को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आसपास कुछ नहीं मिला, तो मुझे सोनेट क्लब जाना पड़ा धौलाकुआं। तो जाने में 3 घंटे के आसपास समय लगता था, आने में भी उतना ही टाइम लगता था। तो एक मुझे लगता था उसी टाइम से, मैं सोचता था कि हमारे यहाँ पे कोई सुविधा ऐसी आसपास क्यों नहीं है। अगर अच्छी सुविधा के लिए हमें जाना पड़ता है तो गाजियाबाद जाओ या दिल्ली जाओ, तो यहाँ आसपास कुछ था ही नहीं। तो मेरे को उस टाइम पे ऐसे लगता था जैसे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है आने जाने में, खेलना कम होता था, समय ज़्यादा लगता, समय आने जाने में ट्रैफिक में ज़्यादा होता था, तो हरासमेंट सा फील होता था। तो ये 2004 से ही चल रही थी चीज़ें कि दिमाग में कि हमारे आसपास होना चाहिए कुछ। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में, मैं आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहूँगा। माई सेल्फ इज़ अ सुभाष फ्रॉम डेली पुलिस एंड बेसिकली आई एम कमांडर इंस्ट्रक्टर इन डेली पुलिस एंड आई एम पोस्टिंग मोस्टली इन ट्रेनिंग सेंटर। अभी थोड़े दिन में PM सिक्योरिटी में भी था और इसमें एडवांस किया हुआ है BPED, MPED, MS, MPhil, तो मुझे भी लगता था कि ये जो मेरे पास है तो पार्ट टाइम में मैं बच्चों को आके इसमें अच्छा, थोड़ा इंटरेस्ट भी है और मैं खुद नेशनल प्लेयर रहा हूँ, तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है सुबह शाम ड्यूटी से जब ऑफ होता हूँ। कई बच्चे इसमें स्टेट हैं, नेशनल के हैं, आर्मी और पुलिस में तो बहुत सारे कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बहुत सारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, हर साल बहुत सारे निकलते रहते हैं। अभी भी आर्मी में कई बच्चे
जैसे निकल गई तो अपने आप में प्राउड होता है कि हाँ यार यहाँ से हमारे एरिया से भी दूर जाना पड़ता था, जैसे सचिन भाई ने बोला कि वो सारी रिकवरी टूट जाती थी। फैसिलिटी बच्चों को ज़्यादा मिल रही है पहले के मुकाबले, जो मेरे टाइम पे थे हमें सूखे चने खा के हम रेस भगते थे, अब तो बच्चों को प्रोटीन अलग, ग्लूकोज, हर तरह की डाइट अलग अलग मिल रही है, हर तरह की डाइट, बादाम भी हैं, ये है, अगर हमें बादाम मिल गए तो फिर और कुछ नहीं है, बादाम ख़त्म हो गए तो अगले चलो 2 महीने की इंतजार करो, 3 महीने की, ऐसा हमारे टाइम पर बहुत ज़्यादा वो था। और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ से हमें दूर जाना पड़ता था, कोई आसपास वो नहीं था। अब सुविधा होते हुए घर में इसका बच्चा फ़ायदा मैं मानता हूँ कि नहीं उठा पा रहे। लेकिन बात करी जाए जैसे हरियाणा है, यूपी है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यस, वहाँ पे सुविधाओं के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, अगर अपने क्षेत्र की बात करी जाए तो उस हिसाब से काफ़ी जो लेवल है कहीं बनता नहीं है। ये उसके पीछे क्या कमियाँ आप देख रहे हैं, बच्चों की कमियाँ हैं, सुविधाओं की कमियाँ हैं, क्या है? ये बात बहुत बड़ी कही है आपने। जैसे सचिन भाई ने यह प्रयास किया इस इलाके में, वहाँ कदम कदम पे है ये, लेकिन आप ये देखो कि कितनी दूर में हमारा एक स्टेडियम अभी इन्होंने तैयार किया। लेकिन हरियाणा में वो जागरूक भी हैं, उन्होंने कहा कि इसका तो मेडल नहीं है, इस पर क्यों पैसे लगा रही हूँ। वो कह रहा है कि बेच के, ज़मीन बेच के लगा देता हूँ, आ जाएंगे मेडल, जब खवाऊँगा इसको जब भी तो तैयार होगा। जैसे आपने कंपेरिजन हरियाणा का दिया, उसमें कई चीज़ एडवांस है हमारे से, एक तो पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है, दूसरा वहाँ मेरे जैसे की संख्या ज़्यादा है, ये सबसे बड़ा। अगर मैं इतनों बच्चों को कर सकता हूँ, अगर 10 भी हो जाएं तो जब टाइम की पंक्चुअलिटी से 10 भी बंदे हो जाएं एरिए के तो वो मैं मानता हूँ। जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे 30-40 किलोमीटर की रेंज से बच्चे आ रहे हैं, तो ऐसी अगर प्रतिभाएं हर क्षेत्र में 2-2, 3-3 निकल जाएँ तो अपने आप ही चीज़ें सामने आ जाएंगी। हाँ, इसका ये है कि अगर बच्चे एक इंटरनेशनल हो जाता है, मान लें नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा एक समझ लो कोई मोटिवेटिव स्टोरी बन गई, वो ओलंपिक में मेडल है, तो हर बच्चा सोचता है कि काश मैं भी नीरज बनूं, काश मैं भी पीटी उषा, मिल्खा सिंह, द्वितीय चंद, मैं भी उस लेवल पे खेलूं। जब हमें प्रयास तो करना पड़ा, सचिन भाई ने बताया कि 6 साल हुए, उसमें बड़ा अथक परिश्रम है, कई बार बच्चे नहीं भी होते, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत पुअर फैमिली से, वो फीस भी नहीं देते। मैं भी इनको वो कहता हूँ कि नहीं भाई, हम तो खुद भी खर्च करते हैं बच्चों के ऊपर, अगर हमारे पास जैसे भी है छोटा मोटा इक्विपमेंट है, बच्चों को जैसे कुछ भी ज़रूरत है कभी पुअर फैमिली से, तो सचिन भाई भी हम भी काफ़ी कोशिश करते हैं कि ताकि आगे चले और कम से कम अपने एरिए का। अब एक बच्चा है अभी नेशनल खेल का है, संदीप, एक के नहीं मैं कई की बता रहा हूँ कि दिन में भी सर्विस करते हैं बच्चे, कोई स्विगी में, जोमेटो में, अमेजोन में, वो फ्री, वो होम डिलीवरी करते हैं और अपने डाइट का खर्चा निकालते हैं। वे भी बच्चे नेशनल तक जा रहे हैं, तो कुछ सपोर्ट हमारी तरफ से भी मिल जाती है जैसी हमारी हैसियत है उसके अनुसार। और अच्छा लगता है जब मेरा बच्चा नेशनल पे जाता है, नेशनल में मेडल लेकर आता है, तो हमें अच्छा लगता है। हाँ भाई, 10 बच्चे पुलिस में चले गए, 10 बच्चे आर्मी में चले गए, तो अच्छा लगता है। हाँ यार, हमारा भी एरिया थोड़ा सा अप हो रहा है। आप हमारे चैनल भारत के गुर्जर के चैनल के माध्यम से एक अपील युवाओं से, एक माँ बाप से, और जो आप जैसे गुरु हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सबसे पहले है जो इस क्षेत्र में है, फिजिकल में, अपने अपने जहाँ भी हैं, वो अपने लेवल पे जितना उन्हें पता तो बच्चों को जोड़ें। कई बच्चे बहुत अच्छी फैमिली से, लेकिन बच्चों को 10,000 भी नहीं दे रहे। अब आज का युग ये ऐसा है कि जो कंपटीशन है, खाने वाने में जितना प्योरिटी रह रही है, वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। स्पोर्ट डाइट है थोड़ी महंगी पड़ती है, तो वो घर वालों को सोचना पड़ेगा। अगर इस क्षेत्र में ला रहे हैं तो फिर पूरी इकोनॉमिक पूरी सपोर्ट देनी पड़ेगी। मेरा नाम शिवानंद प्रधान है, गांव सकलपुरा है, और इसी स्टेडियम से मेरा गांव लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है, और ये स्टेडियम हमारे क्षेत्र में सबसे बड़े स्पेस का, इतना स्पेस या इतनी क्षेत्रफल में कोई स्टेडियम नहीं है, और किसी में लाइट वगैरह भी नहीं लगी हुई है। यहाँ पर डे नाइट के मैच भी होते हैं, और यहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, रनिंग की भी हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं बच्चे, मैं भी यहाँ फुटबॉल खेलता हूँ। सुबह के समय आ जाते हैं 15-20 भाई हैं, और हम यहाँ पर फुटबॉल भी खेलते हैं, रनिंग भी करते हैं, और यहाँ पे योगा भी कराते हैं। अगर ये टाइम थोड़ा सा और 10-5 साल पहले मिलती, तो आज हमारे जो भाई युवा हैं
वो और भी आगे जा सकते थे। हमसे आगे हरियाणा इसी वजह से आगे है कि हरियाणा में जो बच्चे हैं वो इतनी मेहनत करते हैं कि माँ बाप को कभी कहने का मौका नहीं मिलता। जो हमारे भाई ने भी मीम चालू करी है, हम चाहते हैं कि और ज़्यादा बढ़े। क्या परसेंटेज है अच्छी की तरफ, कितना परसेंट है, और थोड़ा सा जो गलत दिशा में है, जो राह भटक रहे हैं, जिनको हमें सुधारना है, अच्छी तरफ जाना है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? मुझे जो लगता है लगभग 60 और 40 के आसपास का है। जो 60% लोग हैं वो अब अपने पढ़ाई के लिए या अपनी फिटनेस या अपने कैरियर के लिए चल रहे हैं, लेकिन जो 40% लोग हैं वो अभी भी दिशा से भटके हुए हैं। मैं तो उनसे यही चाहूँगा कि सब देखें भैया, सब अपना अच्छे से तैयारी करें, पढ़ाई करें जी। और जब क्षेत्र का नाम रोशन होगा तो गांव का नाम भी रोशन होगा और गुज्जर बिरादरी का भी नाम। इससे पहले यहाँ के जो युवा थे, जितने भी लोगों की संगत इतनी ख़राब थी, लोग इधर उधर घूमते थे, दारू बीड़ी सिगरेट गलत तरीके के लोगों के संपर्क में थे, लेकिन जब से ये जो हमारा स्टेडियम खुला है ना जी, लोग जितने भी युवा है, जो मतलब कि नई जनरेशन में जो पैदा हो रहे हैं, 10वीं 12वीं से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन लोगों को हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, उन लोगों को इतना जागरूक कर रहे हैं हमारे बड़े भाई, घर घर जाकर लोगों को, मतलब कि इतना हमने वो काम करा है 3-4 साल के अंदर, जो काम पहले होना चाहिए ना, आज से 20 साल पहले वो अब चालू हुआ है। तो लोगों के दिमाग में हमने ऐसी बातें भरी है कि भाई लोग यहाँ पर आएंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान, जब तक हमारा शरीर फिटनेस बिल्कुल फिट नहीं रहेगी तो ना हम पढ़ाई कर सकते हैं, ना ही हम किसी काम में हमारा मन लग सकता। अब से पहले यहाँ पे कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, बैकग्राउंड बनाया तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमारे एरिया से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आगे निकल के आने वाले हैं। बिल्कुल, जब सुविधाएं मिलेंगी तो बच्चे भी आगे निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और बाकी कहाँ इस तरह के और भी स्टेडियम है आसपास? अभी हमारे 3 करंटली स्टेडियम है, एक मेन ये है जी, मेन ब्रांच तो शुरुआत यहीं से की थी। सचिन भाई के, मतलब आपके 3 चल रहे हैं? सचिन भाई कजिन है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और इस स्टेडियम को जब हमने बनाया था उस टाइम यहाँ पे शायद पूरे एरिया में 1 या 2 स्टेडियम ही थे, आज के टाइम में तो बहुत अच्छे हो चुके हैं। और हमारे अपने एक रिस्तल में चल रहा है और एक नोएडा में, 3 स्टेडियम 3 ब्रांच हमारी यहाँ पे चल रही है। मैंने स्टेट में 2 मेडल आया मेरे, एक मतलब क्या नाम है, दिल्ली स्टेट में 100 मीटर में आया और 300 मीटर में आया, और मुझे भाई ने और सन ने बहुत सपोर्ट करा है मुझे। हाँ 3 साल हो गए, 2 साल में तो मेडल आया ही नहीं था, तो दोनों ने हौसला बढ़ाया, हौसला टूट डाउन हो गया था मेरा, तो हौसला बढ़ाया इन दोनों भाई ने सन ने, तो मैं अब मतलब मेडल जाने में कामयाब हुआ। हम हमारे कपिल भाई, 2 लेडीज, हम लोग 3-4 मिल के इसको मेनटेन करते हैं। तो आपका क्या काम है इस स्टेडियम? हमारा, हम तीनों का काम है, सारे मिलके ही सारा काम कर लेते हैं, कटिंग है, रोल चलाना है, पिच तैयार करनी है, मैं एब्सेंट रहता हूं तो ये कर लेता है, मैं ये करता है, मतलब तो दोनों को मिलके करते हैं काम को। सर दोनों जी जी।